घर से निकलने के बाद हमें याद आया कि हमने तो करनी थी व्लॉगिंग। खैर हमने की अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट। इधर मैंने और मेरी दोस्त ने हद किया कि असी दूजे पियो पियो के छितर मारेंगे। खैर पेट्रोल पंप पर अंकल की टंकी फुल करवाने के बाद बाबा जी ने कोई बड़ी ही गंदी नस्ल का सिगरेट लगा लिया था, जिससे हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तो हम चल पड़े बाजार की तरफ। मुझे आज तक किसी बाजार का रास्ता याद नहीं हुआ सिवाय एक कड़ीशो बाजार के। इसी बात का फायदा उठाते हुए बहुत से भटूरे वालों ने कहा आज आज बाजी यही दुकानें खा लो भटूरे खा लो। लेकिन हम खाते हैं अगली दुकान के भटूरे और हम चल पड़े उस तरफ। उतने बीबियां का बहुत रश थी तो हम लोगों को बेसमेंट में जाना पड़ा। मेरा कैमरामैन बहुत ही कोई खोती नस्ल था, बड़ी बार समझाया कैमरा ना हिला पर इसको समझ नहीं आ रही थी। खैर हम लोगों ने हमारा ऑर्डर ये गाइस यहाँ पे आ गए हमारे भटूरे और हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया। पहली बाइट लगाते ही ओए होए 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 मैं आपको क्या बताऊं। वैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं लेकिन यार वही बात है ना, हम शॉप नहीं करते। इसका खास बचपन में वॉशिंग मशीन में आ गया था इसलिए उंगलियां टेढ़ी हैं। इधर आ गई थी हमारी दही बल्लों की प्लेट और इसको देख के मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं खाने को कर रहा था। फिर भी मैंने कहा यार एक बाइट लगा ही लेती हूँ। और जब मैंने बाइट ली तो मैं बता नहीं सकती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पैसे मेरे पास थे और मेरी दोस्त को था कि अनस ना जाए तो इसने मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था। और ये है बागवान बाजार जिसको हम भगवानपुरा कहते हैं। फिर मुझे नजर आता है शादी का सामान और मैं अपनी दोस्त को कहती हूँ जूम मार जूम। और मेरी दोस्त बगैर किसी चीज के बगैरतियां मारते हुए यहाँ मुझे शादी का सामान दिखा रही थी और मेरा दिल जला रही थी। यहाँ हम बाजार से निकल रहे थे और बहुत छोटे वाले बाजी आजू बाजी आजू। इस पॉइंट पर इसने मुझे कहा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, क्योंकि लुमड़ी को अंगूर खाने थे लेकिन मेरे लिए आज भी अंगूर खट्टे हैं। चुन चुन के अंगूर लेने के बाद हम लोगों ने हमारे पास जितने भी टूटे पैसे पैसे थे वो सारे अंकल को पकड़ा दिए और हम लोग चल पड़े ऑरेंज लाइन ट्रेन की तरफ। यहाँ आते ही हम लोग लिफ्ट का इंतजार करने लगे और लिफ्ट में एंटर होते ही हम लोगों ने अपना जादू इस्तेमाल किया, बंद हो जा सैमसंग वाला, इतने में दरवाजा बंद हो गया। हम लोग ऊपर चले गए और वहाँ जाकर हम लोगों ने अपना वीजा लगवाया। उन्होंने हम लोगों से 50 रुपये दिए और उसके एवज हम लोगों को हम लोगों के पासपोर्ट्स दे दिए। हम दोनों ने अपने वहाँ से पासपोर्ट से रिसीव किए और मेरी दोस्त ने कहा अपना वजन खुद उठाओ। हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन आ चुकी थी तो हम लोगों ने खुल जा सैमसंग वाला अपना जादू इस्तेमाल किया। यहाँ पर हमारे लिए दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल गए और हम लोग जाकर बैठ गए। मेरी जगह कोई पेंडू अंदर रोला पै जाता। लिटरली इस पे बनी हुई ट्रेन मुझे बड़े मुंह वाली मछली लगती है। यहाँ हमने व्यू बनाया थोड़ा सा क्योंकि UAT का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ हम ट्रेन से उतर चुके थे और रिदा ने मुझे एक सफाई वाली बाजी के वेपर में मारने की पूरी कोशिश की। बाजी ने कूरी डाली जैसे अभी वो वेपर चुके हमारे सामने मारेंगे। खैर वहाँ से बचते हुए हम लोगों ने सीढ़ियों का सहारा लिया। इस पॉइंट पे मैंने रिदा को कर दिया था ड्रॉप और रिदा जा रही थी अपने घर की तरफ। खैर फिर भी मैंने इसका ख्याल रखा और इसको घर पे सीओ करने के बाद शाही सवारी ली। यहाँ मैं घर पहुँच चुकी थी। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।